नवरात्रि के आठवें दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप को समर्पित है। माँ दुर्गा का ये रूप सरल, सुलभ और मनमोहक है। माता की चार भुजाएं हैं और माँ बैल की सवारी करती है। नवरात्रि की अष्टमी पर भक्त माँ गौरी की पूजा के बाद कन्या पूजन करते हैं। कहते हैं कन्या पूजन करने से माँ महागौरी प्रसन्न हो जाती है। आइए जानते हैं नवरात्रि की अष्टमी की व्रत कथा के बारे में। नवरात्रि के आठवें दिन की व्रत कथा अनुसार देवी महागौरी 16 वर्ष की वो अविवाहित कन्या है जिन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए वर्षों कठोर तपस्या की थी। इस कठोर तपस्या के चलते उनकी त्वचा पर धूल जम गई जिससे उनका रंग काला पड़ गया था। इसके बाद शिवजी जी माता की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने माता पार्वती से विवाह करने का वचन दिया, जिसके बाद माता को गंगा के पवित्र जल से स्नान कराया गया जिससे देवी का रंग गोरा हो गया और वह महागौरी कहलाई। माँ महागौरी से संबंधित दूसरी कथा के अनुसार शुभ और निशुभ नाम के दो राक्षस पृथ्वी पर रहते थे जिन्होंने हर तरफ तबाही मचा रखी थी जिसका अंत केवल माँ दुर्गा ही कर सकती थी। तब माता पार्वती ने अपना कौशिकी रूप धारण किया। माता के इस स्वरूप का रंग सांवला था। देवी पार्वती ने अपना गोरा रंग फिर से प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। तब भगवान शिव ने उन्हें मानसरोवर में स्नान करने की सलाह दी जिसके बाद मानसरोवर के जल में स्नान करने से देवी पार्वती को फिर से अपना रूप रंग प्राप्त हो गया। तो दोस्तों ये थी माँ महागौरी की व्रत कथा। आइए अब हम इनकी पूजा विधि के बारे में भी जानते हैं। माँ महागौरी की पूजा की विधिवत पूजा करने पर घर में सुख समृद्धि आती है और खुशहाली बनी रहती है। आइए हम जानते हैं माँ महागौरी के स्वरूप से लेकर प्रिय रंग और भोग के बारे में। मान्यता अनुसार माँ महागौरी माँ पार्वती का दिव्य रूप मानी जाती है। कहते हैं माँ महागौरी सफेद वस्त्र धारण करती है और उनके आभूषण भी सफेद होते हैं जिसके चलते उन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। माँ की चार भुजाएं हैं। माँ का एक हाथ अभय मुद्रा में रहता है, दूसरे हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में डमरू और एक हाथ वर मुद्रा में रहता है। माँ महागौरी का वाहन वृषभ है और इसीलिए माँ को वृक्षारूढ़ा भी कहा जाता है। माँ शांत मुद्रा में रहती है और माँ का स्वरूप सौम्य नजर आता है। माँ महागौरी की पूजा करने के लिए सुबह स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूजा करने के लिए चौकी सजाई जाती है और उस चौकी पर माता की प्रतिमा सजाई जाती है। माँ के समक्ष फूल, दीपक, धूप, दीप, फल, चंद्र, रोली, अक्षत और मिठाई अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद माँ के मंत्रों का जाप किया जाता है और आरती के बाद माँ को भोग लगाकर पूजा का समापन किया जाता है। माता का प्रिय रंग गुलाबी माना जाता है। ऐसे में माँ महागौरी की पूजा में गुलाबी रंग पहना जा सकता है। और बता दें माँ भगवती के इस स्वरूप को नारियल या फिर इससे बनी चीजों का भोग लगाना बेहद शुभ माना गया है। ऐसे में आप माता को प्रसन्न करने के लिए नारियल की खीर का भोग लगा सकते हैं। नारियल को शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और इससे बनी खीर सेहत के लिहाज से भी काफी पौष्टिक होती है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आज की हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।